हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9T एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन कलर सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन कलर सेटिंग जो है कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे ये ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा ये स्क्रीन कलर का, इसे आपको करना है। अब ये पेज आपका ओपन होगा स्क्रीन कलर का। इसमें देखिए काफी सारे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस का मैं आपको यूज बता देता हूं। देखिए इन तीन में से आपका जो है ना एक ऑप्शन पे आपका पहले से सिलेक्टेड होगा, जैसे मेरा ये स्टैंडर्ड के सामने वाले सर्कल पे सिलेक्टेड है। तो देखिए इससे ये सेटिंग कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसे प्रो पे सिलेक्ट करेंगे ना, प्रो पे सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन का जो कलर है ना हल्का सा वो ब्लैक सा हो जाता है, हल्का सा ब्लैक सा, ठीक है, हल्का ब्लैक या रेड सा हो जाता है। आपको शायद ये स्क्रीन का कलर चेंज होता हुआ आपको दिखाई नहीं दिया होगा मेरे सेकंड कैमरे से। अगर आप इस सेटिंग को यूज करके देखिए, सेटिंग डेफिनेटली काम करती है। अगर आप इसे ब्राइट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये मोबाइल फोन का कलर है ये आपका चेंज होकर बिल्कुल ही ब्राइट हो जाता है स्क्रीन की लाइट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसे नीचे कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट का ये पॉइंटर देख रहे हैं, पॉइंटर को अगर आप इसे लेफ्ट में करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन का कलर ना बिल्कुल ही व्हाइट सा हो जाता है। और आप इस पॉइंटर को अगर आप इस तरह राइट में स्लाइड करेंगे तो आपके फोन का स्क्रीन का कलर ना हल्का सा रेड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंटर को मैंने जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे करता हूं तो देखिए स्क्रीन का कलर चेंज होता हुआ आपको पता चल रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ना इस कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट से आप ये स्क्रीन का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे जो है नीचे डिफॉल्ट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका फोन का जो स्क्रीन का कलर है ना वो आपके मोबाइल फोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेटिंग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन कलर सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्क्रीन कलर, ठीक है। तो आपको नीचे यह स्क्रीन कलर का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो यह मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।